ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू। मैं जब भी ब्लैक मैजिक का नाम सुनता हूँ तो डर के मारे थर थर कांपने लगता हूँ। पहले मुझे लगता था कि ब्लैक मैजिक एक आम सी बात है, इसे किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन एक हादसे ने मेरे सोच को पूरी तरह बदल दिया। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था संजीव। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, हमेशा दोनों घूमते थे और साथ साथ रहते थे। संजीव बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, इसलिए उसको कुछ सालों के बाद जॉब भी मिल गया और इसे वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। लेकिन संजीव हमेशा मुझे एक बात कहता था कि हमारे घर के पास एक औरत रहती है जो कि हमारे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, जिसे हमारे घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है। लेकिन मैंने उसकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद अचानक से संजीव का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। उसके बाद हमने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाए, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। और एक दिन सुबह संजीव ने आखिरी सांस ली। ये इंसिडेंट मेरे लिए बहुत ही डरावना था। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने संजीव को खो दिया। उसके बाद कई सारे लोग मिलकर संजीव के डेड बॉडी को दफना दिए, क्योंकि संजीव एक क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग करता था। लेकिन जैसे ही मैं 2 दिनों के बाद 2 लड़कों को लेकर कब्र को सीमेंट करने के लिए गया, तो वहाँ से संजीव का डेड बॉडी गायब था। इसे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके कुछ देर बाद हम इधर उधर उसके बॉडी को ढूंढने लगे, तभी मैंने देखा कि संजीव का आधा जला हुआ शरीर एक पेड़ के नीचे पड़ा है। जब मैंने उस पेड़ के पास जाकर देखा तो उसके चेहरे को किसी ने चाकू से पूरा चीर दिया था, और ये मेरे लिए बहुत ही डरावना इंसिडेंट था। उसके बाद हम उसके बॉडी को लेकर फिर से दफना दिए, और तभी मैंने नोटिस किया कि जिस पेड़ के पास डेड बॉडी पड़ा था वहीं पर काला जादू करने का कुछ सामान पड़ा हुआ था। और तभी मुझे संजीव का वो बात याद आया कि उसके घर के पास एक औरत काला जादू करती है। इस घटना के बाद मुझे ये एहसास हो गया था कि काला जादू कितना खतरनाक होता है। और ये मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि संजीव के परिवार वालों का दुख और ज़्यादा बढ़ने लगा। लेकिन जब वो उस घर को छोड़कर गांव में जाकर रहने लगे तो सब कुछ ठीक हो गया। हमारे आसपास अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी कामयाबी से खुश नहीं होते और हमारे परिवार को कभी भी खुश देखना नहीं चाहते, और अक्सर हम ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाते और काला जादू का शिकार हो जाते हैं, जिसे हमारे घर में परेशानियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उसे हम ये कहकर टाल देते हैं कि हमारा तो किस्मत ही खराब है।